आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि वीडियो कैसे बनानी है। तो सबसे पहले आपको आप जो भी थीम के हिसाब से आप बलून चूज़ करना चाहे वो कलर के बलून चूज़ कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर चूज़ किया है, सिल्वर किया है और वाइट किया है। हमने थीम रखी थी ब्लू वाइट एंड सिल्वर की, तो हमने उस हिसाब से बलून किए हैं। तो आप अपने हिसाब से बलून कर सकते हैं। और जो भी आपके घर में पंप है उसको पंप में ले लीजिए और बलून्स में एयर भर दीजिए और उसके बाद दो दो बलून को ट्विस्ट करते जाइए। हमने कैसा किया है, दो दो बलून को हवा भरते ही हमने दोनों को गांठ मार के ट्विस्ट कर दिया है। तो दोनों दो दो बलून की पैर बना ली है हमने। और जैसे ही वो पैर पूरी बन जाती है उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप लेना है। सबसे पहले हमने ब्लू सिल्वर वाइट सारे बलून्स में एयर भर ली थी और उसके बाद हमने थोड़े बहुत बलून हैप्पी बर्थडे वाले भी बनाए थे, जो कि हमने वो नीचे ओपन रखने थे और बेड पे थोड़े लगाने थे, तो उस हिसाब से हमने लगाए हैं। और उसके बाद जैसे ही सारे बलून्स में हवा भर जाती है तो उसके बाद हमें थोड़े बहुत बलून्स जब बचते हैं उसको भी हमने एयर भर लेनी है। और अपने हिसाब से आपको बलून की एक रिबिन लेनी है। रिबिन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग जगह पे गांठ मार लेनी है, जैसे ही गांठ मलक जाती है और उस डोरी को एक पकड़ के रखना है। उसके बाद दो दो की पैर में जो बलून बनाए उसको ट्विस्ट करते जाना है रिबिन के साथ, राउंड राउंड करके ट्विस्ट कर देना है ताकि वो पूरी लाइन बन जाएगी। तो हमने ब्लू सिल्वर और वाइट किया था, आप ब्लू सिल्वर वाइट के हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो हमने जो ठीक लग रहा था हमें उस हिसाब से हमने पूरी लाइन बना ली है। जैसे ही वो लाइन बन जाती है उसके बाद रिबिन को एक एक मीटर की लेके वॉलपेपर जो हमने लगाया है, हमने घर पे वॉलपेपर था वही लगा दिया है। और उसके बाद हमने एक एक मीटर की रिबिन लगाई है तीन जगह पे, आप देख सकते हैं हमने तीन जगह पे लगाई। उसको हमने ट्विस्ट करके उसको बांध देना है। हमने एल शेप बनाया है तो उस हिसाब से हमने बनाई है। और फिर छोटे छोटे बलून बना लेने हैं और छोटे छोटे जैसे ही बलून बन जाते हैं उसको भी तीन तीन की पैर में रिबिन से बांध देना है। और उसके बाद जैसे ही रिबिन से बन जाए उसके बाद हमें उसे वॉल पे लगाना है। तो उसे जो भी बलून की जो लाइन बनाई थी उसमें हम तीन तीन के बलून लगा देंगे तो वो डिफरेंट लुक आ जाएगा और थोड़ा यूनिक भी लगेगा। और जैसे बाहर के लोग बनाते हैं वैसे ही बन जाएगा। देखिए आपको तीन तीन के बलून दिख रहे हैं, अलग अलग सिल्वर पे हमने अलग डिफरेंट कलर के लगाए, ब्लू पे डिफरेंट लगाए और वाइट पे भी डिफरेंट मिसमैच करके लगाए हैं। तो उस हिसाब से आप डेकोरेशन कम्प्लीट हो गई। थैंक यू सो मच। आप हमें बताइएगा ज़रूर को आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। और आपको अगर अच्छी लगी हो तो उसे बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड मेम्बर्स सबको बोलिए कि ताक्षवी को देखने के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हमारे ताक्षवी की फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप उसे भी देख लें और उसे लाइक शेयर करें।